नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरे पास एक कैनन का न्यू जी सीरीज वाला प्रिंटर है, प्रिंटर सर्विस के लिए आया है। उसमें एक एरर शो कर रहा है, तो चलिए पहले हम प्रिंटर को ऑन करेंगे और देखेंगे क्या एरर आ रहा है और उस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रिंटर को ऑन करते हैं और देखिए डिस्प्ले में एक एरर शो कर रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सपोर्ट कोड 1726, मतलब सपोर्ट कोड 1726, और यहाँ पे दिखा जा रहा है इंक पैड फुल। तो चलिए दोस्तों, इस 1726 एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो पहले हम प्रिंटर को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद प्रिंटर का बैक साइड में देखिए एक बड़ा वाला स्क्रू दिया हुआ है। स्क्रू को पहले हम खोलेंगे ऐसे करके। स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पे देखिए एक कवर दिया हुआ है। इस कवर को भी हम इसे ऐसे करके खोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैसेट जैसा कार्ट्रिज दिया हुआ है, उसको हम मेंटेनेंस कार्ट्रिज या मेंटेनेंस बॉक्स भी बोलते हैं, ये वाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चिप दिया हुआ रहते हैं। ये जो एरर 1726 ये चिप्स की वजह से ही आते हैं। 1724, 1726 और 1728 सेम एरर है, और ये तीनों एरर चिप्स की वजह से ही दिखाई देते हैं। तो चलिए हम इस पहले चिप्स को चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं एरर ठीक होते कि नहीं। तो ऐसे करके हमें यहाँ से इस चिप्स को खोलना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम ये चिप को खोलेंगे बिल्कुल वैसे करके ही हमें इसको लगाना पड़ेगा। ये पुराना वाला चिप है जो इसमें लगा हुआ था, और ये मेरे पास एक नया वाला ब्रांड न्यू चिप था, वो हम अभी इसमें लगा के चेक करेंगे। दोस्तों, आप इस चिप के जगह वो पूरा मेंटेनेंस बॉक्स भी चेंज कर सकते हो, और ये चीज़ मार्केट में भी आसानी से ही मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे करके चिप को हम ऐसे करके लगाएंगे। स्क्रू को भी ऐसे करके फिट करना पड़ेगा। चिप को लगा दिया बिल्कुल, और ये चिप जहाँ था वहाँ ही बिल्कुल जैसे था वैसे ही लगाना पड़ेगा। अगर उल्टा उल्टा हुआ तो वो वहाँ पे लगेगा ही नहीं। देखिए, हाँ ऐसे था, तो यहाँ पे स्क्रू भी था, स्क्रू को भी हम ऐसे करके लगाएंगे और ये ऐसे करके टाइट कर देंगे। देखिए, हमारा चिप चेंज कर दिया। उसके बाद मेट्रिक्स कार्टिस को हम जहाँ से खोला था बिल्कुल वहाँ से ही ऐसे करके लगाएंगे, और इसके बाद एक जो कवर खुला था कवर को भी ऐसे करके लगाएंगे। इसके बाद स्क्रू को भी लगाएंगे। अभी क्या करेंगे, स्क्रू को टाइट करने के बाद हम प्रिंटर को दोबारा ऑन करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा प्रिंटर एकदम रेडी मोड में आ चुका है, और जो एरर था 1726 वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो एरर 100% सॉल्व हो चुका है। देखिए दोस्तों, 1724, 1726 और 1728 ये तीनों एरर एक चिप्स की वजह से ही होते हैं, और ये चिप्स और मेंटेनेंस कार्ड चेंज करने से ये एरर 100% सॉल्व होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।